चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है हमारा हार्ड क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है बट सॉल्व करते हैं कैसा क्वेश्चन है। टू टेंजेंट्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये टेंजेंट मांगे है सर्कल तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सो टेंजेंट आ गई हमारी और एंगल कितना हमारी 120 डिग्री राइट ईच अदर आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। Show that the length of each tangent is 2√3 centimeters. इसको हम इसको कर देते टीपी लिख देते हैं टीपी ओ आ गया ठीक है और ये ए कर देते हैं इसको मार्क। सो हमें फाइंड क्या करना है हमें फाइंड करना है शो करना है दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स दोनों टेंजेंट्स इक्वली होती है राइट। तो कोई भी टेंजेंट को हम वैल्यू निकाल दें 2√3 सेंटीमीटर निकाल दें। अब इसमें अब एक चीज हमेशा याद रखनी है दैट आप जब आप आगे बढ़ते हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हो आप नेक्स्ट चैप्टर से बढ़ते हो सर्कल से बढ़ गए। अब ये नहीं है ट्रायंगल से इस बार नहीं आता ट्रायंगल से सब कुछ भूल जाओ सर्कल्स नाइन्थ में गुजर गया तो सब कुछ भूल जाओ नहीं याद रखना है बाकी क्वेश्चन में यूज होता है। हमारा बीपीटी थ्योरम अभी यूज हुआ था ना ट्रिग्नोमेट्रिक चली गई नहीं अब आप सोच रहे हो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ चलेगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है ना अरे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चलेगा ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है खाली वो आइडेंटिटीज वाला चैप्टर नहीं आ रहा अभी ठीक है ना। सो वो चलेगी तो ऐसे भूलना नहीं है चीजों को आपके आगे वाले क्वेश्चन में यूज होगी। सो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी इतू सी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है टैन की एक वैल्यू यूज होगी। तो अब मैंने हिंट दे दिया प्लीज अब तो पॉज कर लो वीडियो अगर अब तक नहीं आया था आपको सॉल्यूशन तो प्लीज अब तो सॉल्व कर लो ठीक है ना। अब यह 120 डिग्री है मैं क्या करूंगा इसको ज्वाइन कर लूंगा इसको ज्वाइन करा 120 डिग्री हाफ में आ जाएगा बाय ये दोनों ट्रायंगल्स कॉमन है ये तो बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये कॉमन साइड ये 90 डिग्री और ये रेडियस रेडियस सो हमारा जो आरएचएस कॉमन सूत्र से हो जाएगा। तो ये 120 डिग्री क्या हो जाएगा 60 डिग्री में बढ़ जाएगा। अब ये 60 है एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है अब ये ऑपोजिट साइड 6 है एडजेसेंट साइड हमें फाइंड करनी है। सो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है टैन थीटा हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है 60 ऑपोजिट साइड क्या है 6 एडजेसेंट साइड हमें फाइंड करनी है टैन 60 होता क्या है √3। अब √3 आया इसको 2 × 3 लिख दो 6 को √3 से कटेगा आएगा √3 आ जाएगा। So, हमारा जो फाइन करनी है हमें एडजेसेंट साइड वो आएगी 2√3। अगर समझ में आया मैं फिर से बता देता हूं जो हमारी ऑपोजिट साइड है और एडजेसेंट साइड है इसको हम टैन थीटा कहते हैं राइट और थीटा की वैल्यू हमारी 60 है ये देखो ना 60 है ऑपोजिट साइड 6 एडजेसेंट साइड हमारी है। सो अब टैन 60 हमारा √3 होता है राइट ऑपोजिट साइड हमारा 6 है एडजेसेंट साइड में फाइंड करनी है। सो इसको एक वजह लगी जाओ 6/√3 आ जाएगा इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हमारा 2√3। सी क्वेश्चंस इजी हैं बट थोड़ा सा दिमाग लगाना जरूरी है ये तो हमारा सब सच कह रहा था हार्ड क्वेश्चन 5 ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है हमारे आज का सबसे इजी क्वेश्चन है। सो ये तो आपको आना चाहिए। सो सी अब इससे आप सच्ची बताओ कंसेप्ट क्लियरेंस मिलती है कि नहीं मिलती। मैंने बोला था हार्ड इजी क्वेश्चंस हैं आपको अगर प्रैक्टिस करनी है खाली हार्ड क्वेश्चंस मैं ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा जो मुझे लगता है यार नहीं आप सॉल्व तो नहीं कर पाओगे आप बोर्ड में तो आने के थोड़ी कम चांसेस हैं लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस में बहुत हेल्प करेंगे शायद आ रहे बोर्ड में लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियरेंस में बहुत हेल्प करेगी। मैंने ऐसे क्वेश्चंस पकड़े जैसे मुझे कोई क्वेश्चन मिला मैंने हार्ड क्वेश्चन के लिए रख लिया। सो अभी ये चैप्टर हमारा खत्म है। सो अभी चैप्टर हम दूसरे पे पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर हमारा कंस्ट्रक्शन। यस थोड़ी प्रॉब्लम तो आने वाली कंस्ट्रक्शन चैप्टर में बिकॉज वो थोड़ा है अलग ही चैप्टर सबसे सारे चैप्टर से अलग चैप्टर ज्योमेट्री है राइट। सो अभी वीडियो खत्म करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन में प्लीज आना जरूर एंड मजा आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन थोड़ी सी खुशी मिलेगी मुझे बट वो भी काफी है। सो प्लीज hit the like button, subscribe also. Thank you so much for watching my video. Agli video mein zarur aana. Thank you.